students, welcome back to the next session of your subject environmental science. Students, in previous session we have completed the exercises of chapter number 5, that is how our body works. हमने क्या पढ़ा था last session में कि हमारी body में जितने भी parts हैं दो parts में divide किया गया है, that is internal और external. Internal में जितने parts हैं और external में जितने parts हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को मूव करने के लिए या फिर सांस लेने के लिए, यानी तो ये हमने समझा था. अब इंटरनल का मतलब मैंने ये बताया था, दोज पार्ट दैट कैन नॉट बी सीन, यानी कि हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट जो कि हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स. और एक्सटर्नल क्या होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं, हमारे हाथ पैर नाक आंख, ये सब एक्सटर्नल में आते हैं. इंटरनल में आपका स्टमक है, लंग्स है, ब्रेन है, ये सब इंटरनल होते हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे मूव करते हैं. जो है हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम फोर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमें चार इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी के बताने हैं. तो आंसर, द फोर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर, यानी कि चार इंटरनल पार्ट्स जो हमारे बॉडी के हैं, ऑर्गन्स हैं, वो हैं, फर्स्ट इज ब्रेन यानी कि दिमाग, सेकेंड इज हार्ट हमारा दिल, लंग्स, थर्ड यानी कि हमारे फेफड़े, फोर्थ इज स्टमक यानी कि हमारा पेट. यानी कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, ये फोर इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज नेम टू इंटरनल ऑर्गन्स फाउंड इन द चेस्ट, यानी कि हमारे चेस्ट में पाए जाने वाले दो इंटरनल ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं. तो द टू इंटरनल ऑर्गन दैट आर फाउंड इन द चेस्ट इज, अब हमें देखना है कौन से दो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे चेस्ट में पाए जाते हैं. फर्स्ट हार्ट, सेकेंड लंग्स. हार्ट यानी कि हमारा दिल, लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, हमारे चेस्ट में. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर बोन्स एंड मसल्स यूजफुल टू अस, यानी कि हमारी जो हड्डियां हैं और जो मांस हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं या कैसे यूजफुल हैं हमारे लिए. तो आंसर देखते हैं, बोन्स एंड मसल्स वर्क टूगेदर टू मेक अस मूव, रन एंड प्ले, यानी कि जो हमारी बोन्स यानी हड्डियां और हमारे मांस हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एक साथ काम कर, मसल्स दोनों एक साथ काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से मूव कर सके, हम बॉडी के साथ अच्छे से खेल सकें, दौड़ सके, इसीलिए यानी कि बोन्स और मसल्स दोनों एक साथ काम करती हैं ताकि हमारी बॉडी मूव कर सके. दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो कि आपके बुक में दिए थे वो हो गए हैं. यहाँ पे आपके चैप्टर में आपने यही पढ़ा कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत सारे थे जैसे कि ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स, ये सब हमने इंटरनल ऑर्गन्स में पढ़ा. एक्सटर्नल में क्या थे, हमारे आईज, नोज, हैंड्स, हेड, ये सब क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज हाउ अवर बॉडी वर्क्स. ये 3 क्वेश्चन हैं आपकी कॉपी के जो आपको कॉपी में करने हैं, सुंदर राइटिंग में बहुत ही अच्छे से आपको सारा काम करके मुझे फोटो सेंड करनी है. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.